लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों पर संक्रियाएं। आपने लास्ट लेक्चर में त्रुटि देखी, उन्हीं त्रुटियों को आगे बढ़ाते हैं और त्रुटियों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था त्रुटि को, परम त्रुटि को कैसे व्यक्त करते हैं, डेल से, डेल एक्स। डेल एक्स मतलब एक्स में परिवर्तन या एक्स में त्रुटि। डेल ए मतलब ए में परिवर्तन या ए में त्रुटि। ऐसे बताया था a2 - a1, ऐसे तो बोला था। ठीक है, तो डेल ए डेल एक्स, तो डेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, त्रुटि या परिवर्तन। जब बात करते हैं त्रुटियों पर संक्रियाएं कि जब त्रुटियां होंगी दो या दो से अधिक राशियों में तो उनकी संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, इन सबको हल करना है आपको, तो कैसे हल किया जाता है, तो ये प्रक्रिया हम आपको यहाँ समझाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लेते हैं त्रुटियों पर संक्रियाएं। टॉपिक क्या आज का, त्रुटियों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन एरर। इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन योग में त्रुटि। योग में त्रुटि, योग में त्रुटि कैसे याद करेंगे ये समझना अपन को। ठीक है, तो जैसे देखो माना ए तथा बी है ना, दो भौतिक राशियों के वास्तविक मान, भौतिक राशियों के वास्तविक मान। जैसे कोई भी दो भिन्न भौतिक राशियां ले ली, अपन मान लेते हैं कोई एक भौतिक राशि है उसके दो भिन्न मान है। मैं ऐसे लिख देता हूं माना ए तथा बी है ना, जो है वो वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। ठीक है, जैसे मान लो लंबाई के दो वास्तविक मान दे रखे ए और बी, क्षेत्रफल के दो वास्तविक मान दिए ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बताओ योग कैसे करेंगे। अगर वास्तविक मान भी नहीं लिखना चाहो तो इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हो, ए तथा बी भौतिक राशियां हैं। ये कैसी भौतिक राशियां हैं, जिनके मात्रक समान है। ठीक है, तो अगर इनका योग किया जाए तो ऐसा मान ले एक्स बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ओके, ऐसा मान लेते हैं x बराबर ए प्लस बी, ए और b का योग क्या आता है बताओ, x, समीकरण नंबर ए। अभी तक हमने भौतिक राशि का केवल वास्तविक मान लिया, a वास्तविक मान माना है, b वास्तविक मान माना है और इसका योग भी आएगा, ये भी वास्तविक मान आएगा x। लेकिन हम पढ़ रहे हैं त्रुटियों पर संक्रियाएं, त्रुटियों कैसे जोड़ेंगे। तो देखो तरीका समझना आपको, माना ए में त्रुटि कितनी है डेल ए, माना ए में त्रुटि कितनी है डेल ए, और बी में त्रुटि कितनी है बताओ डेल बी। डेल से किसको व्यक्त करेंगे, त्रुटि को। तो ए में त्रुटि डेल ए, बी में त्रुटि डेल बी, तो त्रुटियों को सम्मिलित करें। अब त्रुटि क्या हो सकती है, जैसे वास्तविक मान ए है और इसमें डेल ए की त्रुटि है, त्रुटि मतलब परिवर्तन, तो त्रुटि मतलब कमी या वृद्धि, या तो कम मापा गया या ज्यादा मापा गया। तो यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे बताओ, प्लस माइनस का चिन्ह। ये प्लस माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि ए का मान या तो इतना कम है या इतना अधिक है, मतलब इतने की त्रुटि है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 20 ± 0.4, इसका मीनिंग क्या है कि वास्तविक मान, भौतिक राशि का वास्तविक मान तो 20 है और उसमें 0.4 की त्रुटि है। त्रुटि मतलब या तो 0.4 इससे कम होगा या फिर 0.4 से 20, मतलब 20 जो है उसमें या तो 0.4 की कमी होगी या फिर 0.4 की वृद्धि होगी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं भौतिक राशि को त्रुटि के साथ लिखना। तो देखो अगर ए में त्रुटि सम्मिलित कर ले तो ए प्लस माइनस दे ले, कर ली प्लस, ऐसे ही बी में ए वाली त्रुटि सम्मिलित कर ले तो बी प्लस माइनस डेल बी, और जब ए में त्रुटि सम्मिलित कर ली, बी में त्रुटि सम्मिलित कर ली, तो इनका जो योग है एक्स
उस एक्स में भी त्रुटि आएगी, तो एक्स में त्रुटि मान लेते हैं डेल एक्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो जब हम ए और बी में त्रुटियां सम्मिलित करेंगे तो इनका जो योग है एक्स, उस एक्स में भी त्रुटि आएगी, जिसे हमने माना एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। ठीक है, अब क्या किया जाए? एक्स प्लस माइनस डेल एक्स को ऐसे रखेंगे, इसको अलग अलग लिख लें। पहले ए और बी को लिख लेते हैं, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी को लिख दिया, या फिर एक बार आप चाहो तो ऐसे कर लो, ए प्लस माइनस डेल ए ऐसे लिख दो, प्लस बी और प्लस माइनस डेल बी, ब्रैकेट हटा दो। तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे ए प्लस बी, और इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? डेल ए प्लस डेल बी। बोलो बचेगा यार? इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो डेल ए प्लस डेल बी, सही है। अब आगे देखो, आप इसको देखो, आप इसको समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को एक्स, तो यहां पे एक्स लिख देंगे तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स बराबर एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। तो आप गौर से देखो, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपके पास बच गया प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब ये चीज ध्यान रखनी है, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल नहीं होगा। अगर दोनों तरफ प्लस माइनस है तो दोनों तरफ प्लस माइनस है तो एक तरफ प्लस माइनस रह जाएगा, तो डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, है ना? क्यों रह जाएगा? कारण समझना आप, कारण क्या है? जैसे मैं लिखूं प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, तो ये प्लस माइनस कैंसिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रीजन क्या है? क्योंकि प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, इसके चार केस बनते हैं। पहला केस क्या? कि हो सकता है दोनों ही प्लस में हो, दूसरा केस दोनों ही माइनस में हो, तीसरा केस एक्स प्लस में हो वाई माइनस में हो, और चौथा केस एक्स माइनस में हो और वाई प्लस में हो। जब इन केस को हल करते हैं तो इन दोनों को हल करो, तो यहां माइनस से माइनस कट गया, तो दोनों से एक ही रिजल्ट आया एक्स बराबर वाई, और इन दोनों को हल करो तो ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो एक ही रिजल्ट आया एक्स बराबर माइनस वाई। और जब दो रिजल्ट मिले, चार समीकरणों को हल करके दो रिजल्ट मिले एक्स बराबर वाई और एक्स बराबर माइनस वाई, और दोनों को मिला के लिखे तो एक्स बराबर क्या हो सकता है? प्लस वाई भी हो सकता है और माइनस वाई भी। तो जब दोनों तरफ प्लस माइनस चिन्ह होगा तो ये कटेगा नहीं, इसकी जगह क्या होगा? एक ही तरफ रह जाएगा प्लस माइनस, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन डेल एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डेल एक्स कितना आएगा बताओ? प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। बोलो आएगा ही? अगर इसी में पूछा जाए आपसे अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है त्रुटि, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसमें दो चिन्ह आए, एक तो प्लस में आया और एक माइनस में आया, तो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कौन सा लिया जाता है? प्लस का। तो डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ? डेल ए प्लस डेल बी। डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा? डेल ए प्लस डेल बी। तो इस तरीके से अपन योगफल में त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं? तो बड़ा आसान है, देखो ये हमने डेरिवेशन किया है, अपन को केवल ये फॉर्मूला यूज लेना है। इस फॉर्मूले में क्या यूज लेना है? आपको दे देंगे कि मान लो कि दो भौतिक राशियां जिनकी मात्रक समान है तो उनमें त्रुटियां दे रखी होंगी। मान लो पहली भौतिक राशि ए में त्रुटि डेल ए की है और बी में त्रुटि डेल बी की है, तो बताओ इन दोनों के योगफल में कितने की त्रुटि होगी? तो बड़ा आसान है, ए में त्रुटि को लिखो, बी में त्रुटि को लिखो और दोनों को जोड़ दो, तो ये जो आंसर मिलेगा वो किसको व्यक्त करेगा? ए और बी के योगफल में त्रुटि को व्यक्त करेगा। क्लियर है या नहीं? है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको बोल दे ए में त्रुटि है 0.2 की और बी में त्रुटि है 0.3 की, तो बताओ इनके योगफल में कितने की त्रुटि होगी? तो योग में त्रुटि कितने की होगी? डेल एक्स, एक्स को क्या माना था? योग, और डेल एक्स को क्या पढ़ेंगे? योग में त्रुटि। तो डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी, मतलब ए में त्रुटि और प्लस
बी में त्रुटि, तो योग में त्रुटि कितनी आएगी बताओ, 0.5 की। बोलो आई या नहीं, क्लियर? तो ये था आपके पास योग में त्रुटि। अब दूसरी संक्रिया लेते हैं अपन, व्यवकलन। व्यवकलन मतलब माइनस, घटाओ, बाकी, है ना। तो या तो देखो बाकी में त्रुटि, या अपन इसको क्या बोलते हैं, व्यवकलन। व्यवकलन मतलब माइनस करना, अंतर करना, अंतर में त्रुटि, या व्यवकलन में त्रुटि, या माइनस में त्रुटि, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, मान लो ए और बी दो राशियां हैं, है ना, ए और बी दो राशियां हैं, या समान मात्रक वाली राशियां हैं, या एक भौतिक राशि के दो अलग अलग मान हैं, ठीक है। तो बताओ, बात करें व्यवकलन मतलब अंतर की, तो माना ए और बी का अंतर कितना है, एक्स। हमने मान लिया ए और बी का अंतर कितना है बताओ, एक्स मान लिया। अब ए में त्रुटि शामिल कर दें डेल ए की, और बी में त्रुटि शामिल कर दें डेल बी की। तो ए में त्रुटि शामिल कर दी डेल ए की प्लस माइनस लगा के, और बी में त्रुटि शामिल कर दी डेल बी की प्लस माइनस लगा के, और बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा यहाँ पे बताओ, माइनस। तो जब ए में त्रुटि आ गई और बी में त्रुटि आ गई, तो जब दोनों को घटाएंगे तो उनके अंतर अंतर में भी त्रुटि आएगी, तो उनका अंतर क्या है, एक्स। तो मान लेते हैं एक्स में त्रुटि कितनी है बताओ, डेल एक्स है, इसको प्लस माइनस करके यहाँ लिख दिया है, क्लियर है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको गुणा करें तो प्लस वाले को माइनस से गुणा करें तो माइनस, और माइनस वाले को प्लस से गुणा करें तो प्लस। अब यहाँ गौर से देख पा रहे हो, यहाँ आंसर आया माइनस प्लस, और यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो क्या दोनों में अंतर है क्या, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं आपको बोलूँ प्लस माइनस तीन, तो इसका मतलब क्या है कि या तो प्लस तीन या फिर माइनस तीन। जैसे बोल दूँ एक्स बराबर प्लस माइनस तीन, तो एक्स का मान या तो प्लस तीन होगा या फिर माइनस तीन होगा, और मैं आपको बोल दूँ एक्स बराबर माइनस प्लस तीन, तो भी क्या बोलेंगे, एक्स का मान या तो माइनस तीन होगा या फिर प्लस तीन होगा। तो आप देख पा रहे हो प्लस माइनस और माइनस प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब माइनस से हमने इसको अंदर गुणा किया तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, लेकिन माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी जगह प्लस माइनस लिख दिया, ठीक है। ये पद ऐसी, अब देखो ए और बी को एक साथ लिखें तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। फिर इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, डेल ए और प्लस डेल बी, ये बचेगा। अब ए माइनस बी की जगह समीकरण एक से क्या लिख देंगे, ए माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे बताओ, एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो आंसर क्या आ गया बताओ, प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, और जब दोनों तरफ प्लस माइनस हो तो एक तरफ रह जाता है, तो डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, या अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम के लिए केवल प्लस साइन लेंगे तो डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी। तो जब दो वास्तविक दो भौतिक राशियों का अंतर किया जाएगा, तो अंतर करते समय अगर उनके त्रुटि अंतर में त्रुटि पता करनी है तो उन दोनों भौतिक राशियों की त्रुटियां क्या होंगी, जुड़ेंगी, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताऊं, जैसे देखो मैं आपसे बात करता हूं कि कोई भौतिक राशि है x, इसको अपन ने लिख लिया ऐसे 10 प्लस माइनस 0.2, और कोई भौतिक राशि है y जिसको लिखा मैंने 30 प्लस माइनस 0.8। अब आपसे पूछा जाए कि इनका योग करो, इनका योग, पहले योग सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो योग कैसे करेंगे बताओ, पहले तो अपन वास्तविक मानों को जोड़ देंगे, तो वास्तविक मानों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, फिर प्लस माइनस ऐसी, फिर योग में त्रुटि, तो योग में त्रुटि क्या आती है, डेल ए प्लस डेल बी। तो बताओ पहली राशि में त्रुटि कितनी की है, 0.2 की, और दूसरी राशि में त्रुटि कितनी की है, 0.1 की, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस 0.3, ये तो आ गया योग। अगर आपसे पूछा जाए अंतर y माइनस x अंतर पता करो, तो अंतर में क्या होता है, ये जो आगे लिखे होते हैं वास्तविक मान होते हैं, वास्तविक मानों को तो घटाते हैं, देखो a माइनस b, a और b क्या है, वास्तविक मान, तो वास्तविक मानों को तो घटाएंगे, 20
और प्लस माइनस, अब त्रुटि की बात करें, ए में त्रुटि डी है, बी में त्रुटि है, तो आंसर क्या निकल के आया था, अंतर में त्रुटि का डेल ए प्लस डेल बी, मतलब त्रुटियों को जोड़ा जाएगा, तो ये जो त्रुटियां हैं ये जुड़ेंगी, तो जुड़ के कितनी आ जाएगी, होता है 0.3। तो आपको इसे ध्यान रखना है, जब दो भौतिक राशियों का योग करते हैं तो उनके वास्तविक मान भी जुड़ते हैं और त्रुटियां भी जुड़ती हैं, जबकि दो भौतिक राशियों का अंतर करते हैं तो उनके वास्तविक मान घटते हैं और त्रुटियां जुड़ती हैं। ठीक है, कुल मिला के योग में त्रुटि और अंतर में त्रुटि दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है कि दोनों केस में भौतिक राशियों की त्रुटियों को जोड़ा जाता है। तो ये अपन ने दो संक्रियाएँ पढ़ी, योग में त्रुटि और व्यवकलन में त्रुटि। अगली लेते हैं अपन गुणा में त्रुटि, गुणा, तो गुणा और भाग में देखेंगे। तो देखो आप मान लेते हैं अपन गुणन में त्रुटि, जैसे मान लो दो भौतिक राशियां हैं, माना ए तथा बी दो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, अब इनके गुणन में त्रुटि पता करनी है अपन, कैसे पता करेंगे, देखो एक्स बराबर ए गुणा बी, ऐसा लिख सकते हैं x बराबर a गुणा बी, दो भौतिक राशियां हैं a गुणा बी, a और b क्या है बताओ, वास्तविक मान है, इसको दे दिया समीकरण नंबर एक। अब मान लेते हैं a में त्रुटि डेल a है और b में त्रुटि डेल b है, तो a में त्रुटि शामिल करें तो a प्लस माइनस डेल a गुणा, b में त्रुटि शामिल करें तो b प्लस माइनस डेल b होगा, यानी अगर हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो आप देखिएगा